नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत कर रहा हूँ मैं अपना YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, मैं आज बक कन्वर्टर जो होता है कोई भी LED LCD TV में, बक कन्वर्टर का क्या काम है और इसका कैसे सर्किट में बनाया गया है। मैं आज एक पैनल का जो आप देख रहे हैं, इसमें मान लीजिए 3.3 वोल्ट कैसे DC to DC IC इसको जनरेट किया, ये वोल्टेज सीधा आपका TCON IC तक जाता है, इसी के बारे में मैं थोड़ा बताने की कोशिश की हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो मैंने तो एक वोल्टेज बूस्ट कैसे होता है इसके बारे में एक वीडियो बनाया था। आज मैं थोड़ा बक कन्वर्टर के बारे में बताने की कोशिश किया हूँ। देखिए, यहीं पर जो VDD 3.3 वोल्ट या वी लॉजिक भी आदमी बोलता है कोई, वो सीधा TCON IC तक जाता है, जो टाइमिंग कंट्रोल IC होता है। ये तो हो गया DC DC IC। तो इसका सर्किट में आप लोगों का मैं ड्राइंग कर डायग्राम के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं देखता हूँ आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों, तो मैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो अच्छा लगे बुरा लगे कुछ भी लगे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, तभी जाकर मैं थोड़ा मुझको समझ में आएगा तो मैं वीडियो को थोड़ा अच्छे से पेश करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मैं वीडियो को चालू कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखिए मैं थोड़ा ड्राइंग कर लिया हूँ पहले से ही ताकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। तो देखिए, मैं इसको मान लीजिए आप ये इतना तक DC DC IC है, DC to DC IC है ये, और यहाँ पर 12 वोल्ट अगर इनपुट हुआ, जितना इसका वोल्ट इनपुट होना है पैनल के हिसाब से रहता है। मैं पैनल का 3.3 के बारे में भी बता देता हूँ फर्स्ट, उसमें बक कन्वर्टर का कैसे काम किया गया। तो अभी मान लीजिए इसका जो सर्किट जो DC to DC IC है, इसका अंदर ही मान लीजिए स्विचिंग कराने के लिए एक MOSFET और उसका स्विचिंग पल्स उधर ही से जनरेट होकर सीधा हम लोगों का यहाँ से वोल्टेज के रूप में हम लोगों को मिल रहा है। यहाँ कितना वोल्ट आना पड़ेगा आ रहा है वो इसका स्विचिंग का हिसाब से वहीं पर वो दिया जा रहा है। तो मान लीजिए यहाँ से वोल्टेज जब 12 वोल्ट इसका VCC आया, फिर इसके बाद यहाँ से स्विचिंग होकर जो पल्स निकला, यहाँ पर वोल्टेज जो निकल रहा है वो वोल्टेज मान लीजिए ये इंडक्टर कॉइल पर आता है। ये इंडक्टर कॉइल आएगा तो यहाँ पर ये पॉजिटिव सप्लाई आएगा और इधर नेगेटिव रहेगा, और उसके बाद देखिए ये सप्लाई फिर यहीं पर डायोड लगा हुआ है। डायोड का पोजीशन देखिए, ऊपर साइड में पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव। इस नेगेटिव के साथ फिर यहीं पर इसके साथ एक यहीं से रेजिस्टेंस लगाकर इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया गया है, और इसके बीच में और एक कैपेसिटर है, और ये इसका पॉजिटिव साइड है, इसका नेगेटिव साइड है, और यहीं पर हमको VDD 3.3 वोल्ट मिलेगा। तो सर्किट समझिए, और ये इसका ग्राउंड रहेगा, इसका ग्राउंड है, और यहीं पर से फीडबैक भी लिया जाएगा। देखिए अभी जब वोल्टेज आएगा, जब ये मॉस्फेट जो है या ट्रांजिस्टर हो, जब ये ऑन होगा तभी क्या होगा, इससे यहाँ का वोल्टेज इधर से आने लगेगा, आने के बाद इसमें आएगा इंडक्टर कॉइल में, तो इंडक्टर कॉइल चार्ज हो जाएगा। चार्ज होने के साथ साथ यहाँ पर कितना वोल्टेज होना है वो पता चलेगा, तो फिर ये फीडबैक यहाँ से फीडबैक का पल्स जाकर उसको ऑफ कराएगा। ऑफ होने के साथ साथ ये ऑफ हो जाएगा, तो लेकिन यहाँ तो वोल्टेज इधर का वोल्टेज अभी चला जाएगा, मान लीजिए यहाँ वोल्टेज नहीं है, तब क्या होगा, जो कॉइल चार्ज था तभी वोल्टेज इधर क्या हो जाएगा, माइनस और इधर प्लस। तो ये जो डायोड है, डायोड को आप लोग मालूम है, जब नेगेटिव रहेगा तो इधर से पास हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव ये पास नहीं करने देगा, तो नेगेटिव वोल्टेज जो था इधर से आकर फिर से हम लोग को यहीं पर वोल्टेज, फिर वो 3.3 वोल्ट जितना वोल्टेज इसको मिलना है वो मिल जाएगा, मतलब वोल्टेज फिर ऑन होगा फिर ऑफ होगा, ऑन होगा ऑफ होगा, ऐसे ही इसका काम चलते रहता है और वोल्टेज यहीं पर मिलता रहता है। लेकिन ये अगर स्विचिंग नहीं होगा तो यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिलेगा, स्विच नहीं होगा तो, और मान लीजिए डायोड ख़राब हो जाने के कंडीशन में भी ये वोल्टेज मिसिंग हो सकता है। फीडबैक में कोई रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर
हाई हो गया, इस कंडीशन में भी फीडबैक ख़राब होने से इसका सिग्नल पल्स नहीं बनेगा तो ये स्विच नहीं करेगा, तभी भी यहाँ पर 3.3 वोल्ट हमको मिसिंग मिल सकता है। तो हमको डीसी टू डीसी आईसी में वो सब चेक करना होता है। अभी ये तो मान लीजिए ये जो ट्रांजिस्टर या मॉसफेट जो जो भी हो ये डीसी टू डीसी के अंदर ही है। कभी कभी ऐसा होता है यहाँ वो आईसी इस डायोड के पास यहीं पर लगा रहता है, इस जगह पर भी लगा रह सकता है, वो आप लोग आईसी का ऊपर है। तो आशा करता हूँ आप लोग कुछ समझ में आया होगा। बाक कन्वर्टर का सिस्टम यही है और ये सभी एलसीडी एलईडी जो पैनल होता है इसमें इसी प्रकार से 3.3 को निकाला गया है जो आपको टिकन आईसी तक जाता है। टाइमिंग कंट्रोल जो आईसी होता है वो वोल्टेज यहाँ पर जाएगा, फिर वहाँ से एनेबल निकलेगा तो फिर डीसी टू डीसी आएगा, तभी वो जो वीजीएच बनाने के लिए जो गेट पल्स निकलता है ये सब निकलेगा। ऐसा कुछ सिस्टम है, वो बताने में बहुत डिटेल टाइम लगेगा। तो मैं आप लोग आज सिर्फ ये बाक कन्वर्टर के बारे में बताया जो पैनल में कैसे काम करता है। हर एक पैनल में रहता है दोस्तों, जैसे कि इसमें भी है, इसमें भी है। मैं वो कॉयल जो मैंने बताया था, कॉयल इधर ही लगा हुआ है, ये वो कॉयल है, ये शायद इसका बाहरी है और इसका स्विचिंग पल्स इसमें आएगा। तो यहाँ पर जाकर वीडीडी देखिए, यहीं पर वीडीडी मैंने पहले दिखाया था, देखिए अंधेरा में दिख नहीं रहा है, यहीं पर वीडीडी सप्लाई इसका 3.3 वोल्ट है। जो 3.3 पर कहाँ कहाँ जाना है ये सब उसका सर्किट के हिसाब से जाता है। और ये 3.3 वोल्ट कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग का मदरबोर्ड में भी ऐसा ही बनाया गया है, स्विचिंग के सिस्टम से बनाया जाता है वहाँ पर भी। और कहीं कहीं मान लीजिए मदरबोर्ड में देखिए 3.3 वोल्ट के लिए एलडीओ का इस्तेमाल किया गया है, ये एलडीओ जैसे ऐसा रेगुलेटर रहता है, लेकिन ये रेगुलेटर थोड़ा गर्म ज़्यादा होता है तो इससे परेशानी हो सकता है। जहाँ वोल्टेज ज़्यादा है तहाँ ये रेगुलेटर से काम नहीं चलेगा, तो इसलिए ऐसा सर्किट का ज़रूरी है जो स्विचिंग से चलता हो, इससे हीट नहीं होता है ज़्यादा, तो हम लोग का सर्किट प्रोटेक्शन में रहता है। वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स? अगर मेरा वीडियो समझ में आया तो कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो भी कमेंट और लाइक कीजिए, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बाद में आप लोग को कभी भी फुर्सत मिले तो मैं इसको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। और अभी कुछ दिन के लिए मैं थोड़ा, मेरा तबीयत भी सही नहीं रह रहा है, इसलिए मैं थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहीं पर मैं वीडियो समाप्त करता हूँ।